बसमिली असम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैर होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अलमदिल्ला आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें आमिन सुब आमिन तो जी हाँ ये ब्लॉग जी हमारा मंडे का ब्लॉग है क्योंकि नंद के जाने की तैयारी सुबह चाय बिस्किट से और अंडा बॉयल करके दिया मैंने उसके बाद बच्चियों ने नाश्ता किया लेकिन अभी यहाँ जी मैंने आपको दिखाया पाए शाय नहीं जी हड्डी गुडी का सालन जो कि फरमाइश पर बनवाया गया था नंद ने तो दोपहर में खाना खाने के बाद निकलेंगी सालन बिल्कुल रेडी है लेकिन स्लो फ्लेम पर अभी शोरबा वगैरह सब पक जाए उसके बाद हम खाना खाएंगे दोपहर का उसके बाद और मोहम्मद जयान की तैयारी है आज घर जाने की तो बेटियां चाहे कितने भी दिन रह लें जाना तो उन्हें असल घर अपने ही होता है तो यहाँ जी तैयारी शैरी है अच्छा ये स्टीज हुआ हुआ सूट जो कि मैं मैंने आपको दिखाया था कुछ चीज़ें मैंने दिखाई थी कुछ नहीं चूड़ियाँ चूड़ियाँ जो कि एक साल के बाद आई थी और काफ़ी कपड़े वगैरह बच्चों के तो वो सब बैग शैग में रख लिए जी कुछ नहीं दिखा पाई तो मैं यही कह रही कहला भाभी आपने वीडियो बनाई नहीं तो मैं कुछ नहीं बना पाई तो क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही थी तो बहरहाली जो अभी सूट पहनी हुई है नंद ये स्टेज हुआ वही मैंने इन्हें दिलवाया और सी और बग़ैर सिले भी अन स्टेज भी थे और बच्चों के भी थे और काफ़ी चीज़ें थी मैं क्या क्या बताऊँ आपको बाकी ये कि सब ने जो भी थे पॉकेट मनी दी मोहम्मद जयान को बच्चों को सबको नाना नानी भी इस वक्त ना इस वक्त नीचे ही है नंद हमारी और जाने की पूरी तैयारी दोपहर का खाना खा लिया था अबा शबाया पहना हुआ है और ये निकल रही है ये मंडे का दिन है और साथ खैर सल्ला ताली ने अपने घर पहुँचाए परवरदिगार तो यहाँ जी बैग शैग सब जा रहे हैं और तैयारी जाने की तो इस वक्त मैं भी नीचे हूँ और मैं तो भाई अलविदा कहूँगी और बच्चियाँ जी ये देखें रज, रिजा कितनी प्यारी माशा लग रही रिजा का भी न्यू सूट है जो हमने स्टीच वही लिया था तो रिजा अल्लाह हाफिज़ तो रिजा भी बहुत प्यारी लग रही थी ये भी मेरी पसंद का ये माशाल्लाह अच्छा लग रहा था ये सूट भी ना तो स्टेज हुआ हुआ तो मैंने कहा कौन सी गाँव बच्चे पहन के चले जाएंगे नए नए अच्छा लगता है नाना नानी ना, के घर से बच्चे कपड़े पहन कर जाएँ अच्छा लगता है तो अन ने नहीं पहना हुआ था ऐन का दूसरा था तो अन का भी स्टेज नहीं हुआ हुआ था तो बहरहाल यहाँ तैयारी है नन के घर जाने की कराची में रहती हैं ये था हमारा नेक्स्ट डे यानी ये था हमारा ट्यूसडे डे तो यहाँ पर तो मैंने कपड़े वॉश किए थे तो यहाँ कपड़े वॉश किए मेरी तबीयत ठीक थी अल्लाह का शुक्र हाथ वॉश किए क्योंकि थोड़े से ही थे तो बस मैं वही उतार सुधार रही थी और देख रही थी हल्की सी ना आज थोड़ी सी बारिश की मुझे लग रहा है क्योंकि ना मैं चेक कर रही हूँ जो सूखे होंगे तो वो ले जाऊँगी बाकी ये कि थोड़े से गीले हो रहे हैं क्योंकि आज है ना धूप नहीं थी थोड़ी हवा में तो ये नेक्स्ट डे था हमारा ना तो नंद भी अपने घर पहुंच गई दिल नहीं लग रहा था दिल ऐसा हो रहा था परेशान परेशान सा आना बस दिल नहीं लग रहा था मैंने कॉल की कहने लगी हाँ भाभी मेरा भी दिल नहीं लग रहा अभी मैं आई हूँ ना तो अभी एक दो दिन में सही हो जाएगा तो सभी ये ना इधर उधर सब बैठे हुए थे किसी का को, कोई कई कर रहा है कोई कुछ तो दिल परेशान था मैंने भी दिल अपना घर के कामों में लगाया मैंने कहा चलो दिल तो लगाना है अब मोहम्मद जयान गए सुना सुना सो गया घर अपने तो यहाँ जी हाथ से कपड़े मैंने वॉश किए थे और मैं बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने उन फ्रेंड्स की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो कि न्यू hey, हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तो मैं भी उनकी दिल से सपोर्ट करूँगी इन शाला जितने भी हमारे न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं मोस्ट वेलकम कहती हूँ दिल से तो यहाँ जी मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा मूँग की दाल मेथी बनाने को बस मैं आ गई थी किचन में और थोड़ी सी मेथी वो जो घर में मैंने सुखाई थी तो रखी हुई थी सूखाई थी और सूखी तो के बस इसी मेथी की दाल और मूंग की दाल मेथी बनाई जाए तो एक छोटी सी प्याज कट किए गरम मसाला और यहाँ मेथी हमने सूखी जो कि हमने घर में ही बनाए सूखाई हुई है और थोड़ी सी आधी प्याली मैंने दाल भी गोई मुझे नहीं पता ये खाएंगे या नहीं बहरहाल मैं तो बना रही हूँ मेरा बहुत रहा था और पराठे शराठे के साथ और रोटी में घी लगा के तो इनको खिला ही दूंगी जैसे तैसे लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है यहाँ टमाटर कट किए एक दो मैंने हरी मिर्च की और जी हल्दी पाउडर लिया दरा मिर्च लिए और यहाँ दाल देख सकते हैं कितनी कम मैंने भिगोई हुई है आधी पहले लिए तो ये भी इतनी सारी हो जाएगी तो थोड़ा सा मेरा दिल चाह आज आज बनेगी मूंग की दाल में थी तो कहीं जाना नहीं है वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा चैनल पर पहली बार तो चैनल को जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन कीजिए प्रेस ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मेरी सारी सपोर्ट जी आपके लिए है और इनशाला इनशाला दिल से सपोर्ट करूंगी आप सबके जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं तो कहीं जाना नहीं वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बहुत मजा आने वाला है आज भी वैसे तो जी मूंग की दाल मेथी बनाना कोई महारत की बात नहीं है लेकिन अलबत्तः इतना ज़रूर है कि इसको खिला खिला बनाने के लिए बार बार देखना पड़ता है चेक करना पड़ता है यहाँ मैं दाल ना स्लो फ्लेम पे रख कर आई थी मसाला भून छून कर तो ये देखिए जी हल्की हल्की सी मुझे बारिश महसूस हुई है और कपड़े सारे में ले गई अंदर और जो थोड़े बहुत थे बाहर यहाँ हल्की सी आज मौसम में बहुत घुटन घुटन सी थी तो यहाँ लाइट सी बारिश महसूस हुई और फिर मैं बार बार किचन में जा रही थी बार बार आ रही थी तो यहाँ मसाला भी हमारा भुनता जा रहा और इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है थोड़ी सी देर है ना प्याज और गरम मसाले का भगाड़ लगाया फिर सारा वो मसाला मैंने ऐड किया जो आपको दिखाया था बस उसमें मेथी भी डाली आधी मेथी मैंने रोक के रखी वो मैं दाल के साथ ऐड करूँगी बिल्कुल जब दम लगाएंगे ना दम हम दाल में तो जी हमें आपको बताई थी कि इतना हलवेल वाला काम नहीं है दाल मेथी बनाना बहुत ईजीली रेसिपी मैंने अपने चैनल पर कभी दी भी नहीं है और मैं बहुत कम ही बनाती हूँ तो ये जी लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको खिला खिला और मज़ेदार बनाने के लिए इसको मुझे बार बार देखना होगा तो जी हाँ आपको कहीं जाना नहीं है हमारा ये जी देखिए कितना प्यारा लग रहा है मुम की दाल मेथी का फाइनल लुक अभी और जी अभी इसको गलाने के लिए हम रख देंगे दम पे रखा है तो यहाँ जी आप देख सकते हैं दम लग रही है तो उसके बाद यहाँ हम आ गए बाहर सहन में और असर की नमाज़ के बाद जब हम चेक किया तो ये माशाल्लाह शाबान का चांद नज़र आ गया था और यहाँ जी दुआ की और दुआ तो हर चांद देख कर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सब दिन अच्छे हों हर दिन हमारे लिए बेहतर साबित हो सब के लिए खुशियों का गहवारा हो हर दिल हर दिन हर ए, एक एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरे अल्लाह ताला सबको अपने जमान में रख के खुश आबाद रखें यहाँ जी दाल हमारी गल चल गई थी और अच्छे से दम भी हो गई थी इतनी प्यारी खुशबुआर दी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब भी रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ इस दाल को इन्जॉय करूँ तो हमारी कौन कौन सी फ्रेंड्स खाना चाहती हैं मोस्ट वेलकम है तो यहाँ बनियाँ आज मुँह की दाल में थी तो फिर क्या था जी यहाँ ट्यूसडे की रात थी और ताया अबू ने और मंगा के बच्चों को दिया आज फिर पिज़्ज़ा और इन्हीं में तो पूरे टूटो गए तो मैंने कहा आपने वादा किया था बच्चों ने बताया ताया अबू हमने रात डेढ़ बजे ना संडे डे को पिज़्ज़ा पार्टी की थी तो इन्होंने कहा चलो मैंने बच्चों को आज फिर मंगा के देना है तो बस हमने वही ऑर्डर किया था वो आ चुका था हमारा ऑर्डर और, और यहाँ एक सवा एक की टाइमिंग थी वही टाइमिंग थी रात लाइट गई हुई थी और मेरे ही रूम में हमने दोबारा वही पिज़्ज़ा मंगाया तो यहाँ इस वक्त सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं घर की और ताया अबू का भई आजकल दो दिन से ऐसे ही दिल लग रहा है कह रहे हैं दिल नहीं है जब से नन गई हैं तो चलो पिज़्ज़ा मंगाते हैं आज फिर पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है ऐसी पार्टियाँ तो रोज़ होती रहें तो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ और मुझे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इनसे कह रही थी मैंने कहा बेटी आएगी ना तभी हालांकि बेटी आती तब मंगाता है तब भी मंगाते हैं ऐसी बात नहीं है अलहमद तो मैंने इनसे बच्चों से वादा किया हुआ तो मैंने कहा बच्चों का वादा किया आपने तो पूरा करो और इन्हें मंगा कर खिलाओ अभी तो यहाँ पर जी एक दिन हमने छोड़ा यानी संडे को फिर ना मंडे का दिन हमने छोड़ा ट्यूसडे को फिर हमने ये पिज़्ज़ा पार्टी की है माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल पिज़्ज़ा पार्टी खूब हो रही है खाना तो खाया हुआ था बस थोड़ा थोड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ सारी बच्चियों को मैं दे रही थी ही। और माशाल्लाह काफ़ी था काफ़ी बेहतर था गर्म गर्म पिज़्ज़ा था हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स खाना चाहती हैं हमारे साथ पार्टी में शामिल हो जाए मोस्ट वेलकम बहुत ही मज़ा आ रहा था तो ये जब बचा ना तो फिर मुझसे भी नहीं खाया गया मैंने कहा बच्चों पर थोड़ा थोड़ा फिर दोबारा से फिर ले लो भाई क्योंकि खाओ खाना तो है ना इसको ख़त्म तो करना है रखना नहीं है रखने से तो बेकार हो जाएगा अच्छा नहीं होगा जाएगा यहाँ जी ताया के साथ हालांकि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़ें लेकिन भाई मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने ही ये, श, ये बात शेयर की इनके साथ कि भाई पिज़्ज़ा का आपने वादा किया था बच्चों को आज पिज़्ज़ा लाजमी खिलाना है फिर यहाँ जी हम करें जो है और ये ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आए कि नहीं मुझे इस चीज़ें भाई मुझे तो बहुत पसंद है मुझे तो सारा भी खिला दोगे तो मैं खा लूँगी लेकिन ऐसी बात नहीं खाना वाना खाया हुआ था आज कब लोग आपको कैसा लगना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ दुआओं में याद रखिएगा और आज का लोग आपको कैसा लगा <laughs> रोज़ाना हमने पिज़्ज़ा किया एंजॉय है है यहाँ सारा फिनिश कर लिया है और जी हम आपसे चाहते हैं अब अल्लाह हाफिज़ जी तो हमें याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़